देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खिलानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह महाराज जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। जब यह देश आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा था उस समय इस देश को पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेतृत्व मिला था, उनके विद्वान नेतृत्व में इस देश ने जो प्रगति आरंभ की थी, सचमुच भारत रत्न उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत के कृषि वैज्ञानिक के रूप में हरित क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलना यह करोड़ों किसानों का, हर गरीब वंचित जो आज तमाम योजनाओं से लाभान्वित होकर के भरपेट भोजन प्राप्त कर रहा है, अपनी मेहनत से आज अपने खेतों में अधिक खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है, एमएस स्वामीनाथन जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत रत्न का सम्मान, उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और किए गए वैज्ञानिक उपायों का परिणाम है। यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं इसके लिए प्रिय हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।